भाई 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 भाई, इजी 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 इजी। अभी तो दुनिया बनाई। जब मैं घर पे होता हूँ मैं हमेशा कहता हूँ ना होम स्वीट होम, जब भी कहीं बाहर से आता हूँ। अभी मैं बोलूंगा रूम स्वीट रूम, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन चीज दिखाऊं। सुबह तो यहाँ पर धूप निकली हुई थी, बाहर का नजारा ना अच्छे से दिख नहीं रहा था। अभी देखो, और थोड़ा हम लेट हो गए। वो सामने देख रहे हो वहां पर अभी सनसेट हुआ, थोड़ा लेट हो गए। थोड़ा पहले आते ना तो सनसेट हमें यहीं से एकदम बढ़िया तरीके से दिखता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कल देख लेंगे। कल भी हम यहीं पर हैं और आई थिंक परसों भी हम यहीं पर हैं, और परसों शाम की मेरी फ्लाइट है, परसों शाम की है, परसों के बाद की जब भी है। बस अब घूमते रहना, घूमते रहो घूमते रहो और घूमते रहो। हेलो 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 हेलो, क्या हो रहा है ये? तेरा कपड़ा बिगाड़ा, कपड़ा ठीक कर रहा हूँ। मैंने क्यों बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है बताओ, मैंने क्यों बिगाड़ा है? तेरे को बताओ, दिमाग कहाँ है तेरा? नहीं आप बताओ ना, मैंने क्यों बिगाड़ा है? एक्चुअली ये वाला सोफा भी मैंने उधर खिसका दिया, उसको इधर से इधर कर दिया, बिकॉज मेरे को लेनी थी फोटो और बड़ी सारी खींची है। लग रहा है कि हाँ एक आधी पापा ने अच्छी खींच दी होगी। एक्चुअली मैं पापा को ना फोटोग्राफी सिखा रहा हूँ, बिकॉज अभी पापा और मैंने बहुत ट्रैवल करना है, तो पापा को फोटो क्लिक करनी आनी चाहिए। इंस्टाग्राम पे अभी मैं जितनी भी फोटो डाल रहा हूँ ना जयपुर से रिलेटेड, सारी की सारी फोटो मेरी पापा ही खींच रहे हैं। अगर अच्छी लग रही हो ना तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, बहुत बढ़िया पापा बहुत बढ़िया। हेलो छोटो को हेलो। ये वाला सोफा भी सही करोगे? फैलाया क्यों फिर आपने? पापा बोल रहे होंगे भाई इसके साथ दिया था, अगली बार से सही मेहनत करवाया था। पहले पता नहीं कहाँ ले गया पैनियर देने के लिए, कह रहे मेरे को आना ही चाहिए था। मैंने पापा को बोला पापा आपको सोना है आप सो जाओ, कह रहे नहीं नहीं मैं साथ चलूंगा। वो फिर जंगल में गाड़ी डाल दी, इतनी ज्यादा ऑफ रोड, मेरे को भी नहीं पता था। मेरे को लगा था 10 मिनट का रास्ता होगा, हार्डली 15-20 मिनट का होगा, बहुत टाइम लग गया। अब कल मेरे को एक और जगह जाना है। पापा कह रहे भाई मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर में आराम करूंगा, मतलब यहीं पर होटल में आराम कर लो पापा, अभी तैयार होके जाना भी है। अरे क्या बात कर रहे हो? तो ये कुछ हमारे रूम की हालत हो गई है। सुबह तक इतना सुंदर इतना सुशील था, और मैं ये रेजिस्टेंस बैंड भी लेके आया था एक्सरसाइज करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि लेके ही आया था, मैंने एक्सरसाइज करी भी है। एक्सरसाइज करने के बाद रेडी हो चुका हूँ, अभी हम जा रहे हैं पार्टी में। वहाँ मेरा कैमरा लेके जाने का मन नहीं है एक्चुअली, मतलब मेरे को थोड़ी शर्म सी आएगी, इसलिए मैं ये वाला कैमरा नहीं लेके जा रहा। थोड़ी बहुत वीडियो मोबाइल से बनाने की कोशिश करूँगा। ये वाला स्कूटर लेके जाओगे? साइकिल ले जाऊंगा। साइकिल नहीं, ये वाला स्कूटर लेके जाना है। गाड़ी यहीं छोड़ देते हैं, स्कूटर ले जाते हैं। पापा का डिनर का टाइम हो गया, लेकिन हम लोग अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे ना। पार्टी से हम आ चुके हैं, अभी एक राउंड मारने का टाइम है, बाहर जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए। टाइम ऑलरेडी 11:30 हो चुके हैं, लेकिन जब घर से बाहर होना तो मतलब टेंशन नहीं होती कोई भी कि हाँ मतलब मम्मी कॉल करेगी पापा कॉल करेंगे। पापा रूम में चले गए, पापा सोने की तैयारी कर रहे हैं, हम थोड़ा घूमने जा रहे हैं। जयपुर की गेड़ी वेड़ी मारेंगे, रात को 1-2 बजे तक आ जाएंगे, सो जाएंगे। सुबह उठने की जल्दी तो है नहीं, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, बस ये लिफ्ट आ जाए टाइम से। गोइंग फॉर अ स्मॉल ड्राइव, जाएंगे गेड़ी मार के आ जाएंगे। एक्चुअली पहले क्या होता था, लोग पैदल जाते थे खाना हजम करने के लिए, और हम जाते हैं गाड़ी पे खाना हजम करने के लिए। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रहा है ना, गैप आ रहा है, तो ऐसे वैसे बंदे बिगड़ते जा रहे हैं। बस भाई बस, रुलाएगा क्या, आज के लिए बहुत है भाई। खतरनाक राइड थी इसकी, मतलब वो कहते हैं ना रूह कांप गई कि हाँ भाई, मतलब मैंने तो बोल दिया था उतार दे भाई मेरे को, उतार दे मेरे को नहीं बैठना। होता क्या है ना, जब मैं तेज चला रहा हूँ तो मेरे को पता मैं कैसे चला रहा हूँ, साथ वाला चला रहा है ना थोड़ा डर सा लगता है। तो बस बहुत है आज के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये बिस्किट किसी ने आधा खाया हुआ है और ये नीचे वाला आधा खाया हुआ है, भाई ये कौन है हमारे रूम में चूहा है? और आधा नहीं खाया, तोड़ के खाया यार, तुम लो बात। कौन है ये भाई? ये कौन है पापा, किसने खाया आधा आधा? हमारे बच्चे ने खाया है।
ये भाई मतलब क्या चक्कर है, पहले नहीं पहले भाई ये खाया आधा, मैंने अच्छा आधा खाया, नीचे वाला देखा भाई वो भी उधर से आधा खाया हुआ, मैं भाई कौन कौन चूहा घूम रहा मेरे रूम में, और मेरे लिए पता कौन सा छोड़ा, ये ऑट्स वाला। सही बात है, सारी हेल्दी चीजें मेरे को खिलाओ, और जो बढ़िया मीठी वीठी है। अपनी सुबह हो चुकी है, अभी ब्रेकफास्ट करने जाना है, ऑलरेडी पौने दस हो चुके, पापा वगैरह रेडी हो जाओ हो जाओ हो जाओ, रेडी नहीं हो रहे। सुबह क्यों उठे, कितने बजे उठ गए थे आप? 7:30 बजे। 7:30 बजे उठ गए, अभी पगड़ी बांध रहे हैं भाई, जल्दी करो टी शर्ट पहन लो, ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, वहाँ घूम के आना खाली, तो घूम आना। 10 बजे क्या? 9:45 हो गए, 15 मिनट, 10 मिनट तो जाने में लगेंगे। कह रहे 10 बज गए क्या? फुल मतलब असली मजे मैं नहीं ले रहा, असली मजे पापा ले रहे हैं। 7:30 के उठे हैं, यहाँ टहल रहे हैं, वहाँ टहल रहे हैं, सुबह सुबह मूवी लगा ली थी मैंने, टीवी बंद करा, मतलब तैयार होने का नाम ही नहीं है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये बंदा सिर्फ मीठा खाता है। मीठा नहीं है यार वो। अच्छा मीठा नहीं है। अपना पहले पहले अपना डोसा खत्म करो। अरे हाँ ठीक है यार, तू कैमरा नीचे रख। अरे कैमरा के सामने बहुत शर्माता है। मीठा नहीं, जूस भी मत पी। हाँ जूस भी तो मीठा है भाई। और मैं अपने कॉर्नफ्लेक्स खा चुका हूँ, अभी ये खत्म करूंगा, डोसा पापा आधा खाएंगे, आधा मैं खाऊंगा, पूरा खा लो यार, खाया जाएगा। अरे खा लो, कमजोर होते जा रहे हो, देखो डोले खत्म हो गए आपके। और ये लोकेशन भाई, मतलब सुबह सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए एक नंबर। ऐसे ही रहना पूरे दिन, ऐसे ही रहना। शर्मीला दोस्त है ये हमारा। तो यहाँ शाम की पार्टी की तैयारी चल रही है, और पापा को नींद आ रही है? नहीं नहीं आ रही। नींद कहाँ से आएगी, रात को 11 बजे सो गए हो, सुबह 8 बजे उठे हो, नींद तो आ ही नहीं सकती। 7:15 बजे घर भी जाना मेरे को कल, मेरे को अभी फ्लाइट लेनी, कहीं घूमने जाना है, और बहुत सारे प्लान हैं, वो प्लान कैंसिल ना हो जाए, थोड़ा धीरे चलाओ। अभी क्या सीन है ना, वी आर गोइंग टूवर्ड्स जयपुर, हमारी जो बाइक है 1250 उसकी नंबर प्लेट आ चुकी है, उसका नंबर आ चुका है बहुत ही बेहतरीन, तो नंबर प्लेट लेने जा रहे हैं, और जब लेके आएंगे उसके बाद आपको दिखाएंगे कि भाई साहब क्या नंबर मंगवाया, मतलब देख के ना आपका भी दिल खुश हो जाएगा, और हमारा तो दिल खुश हो ही गया जैसे हमने सुना उस। ओ भाई मैं बाद में बात करता हूँ, पहले इसको गाड़ी चलाने दो। वकील साहिबा कहाँ पर हो? मैं घर ही हूँ। घर ही हूँ? हाँ। अच्छा लोकेशन भेजो जरा एक बार घर की। हाँ चेक करो जरा कितनी दूर है हमारे यहाँ से। सामने देखो ये लद्दाख के पहाड़ आ चुके हैं, वो उस चोटी पे लद्दाख है, बस अभी पहुँच जाएंगे, और 15 मिनट में, मतलब लद्दाख का नाम लेते ना मन कर जाता जाने का, और जाने भी लगा था मैं गाड़ी लेके, लेकिन इतनी ज़्यादा स्नो मिल गई मेरे को 0 पॉइंट पे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बाइक लेके जाएंगे, अभी अपनी नई 1250 लेके जाएंगे, ये नहीं पता कब जाएंगे, लेकिन जल्दी जाएंगे। हो सकता है जो भी अपना राइड का प्लान बन रहा है ना खतरनाक वाला, उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, मतलब ऐसा रूट काफ़ी बंदों ने बोला कि भाई आप साच पास करने वाले हो। नहीं भाई साच पास नहीं करने वाला मैं, बिकॉज मेरा किश्तवार रहता है, मेरे को पता है जो वर्ल्ड की डेंजरस रोड है उसको नहीं करने वाला मैं अभी कवर, अभी मैं कुछ और कवर करने वाला हूँ। दोबारा से एक बार आइडिया लगाना क्या करने वाला हूँ, वो रूट मैंने अभी तक कवर नहीं करा। हाँ आधा रूट उसको मैंने कवर करा, आधा नहीं कर पाया, फिर भी आइडिया लगाना एक बार, और देखते कितने बंदे लगा पाते हैं। ओ भाई तेरे यहाँ गलियों में फंस गए हैं यार। गलियों में फंस गए? किधर फंस गए? ये नहीं बता, वो चढ़ाई ऊपर से जा रही है वहाँ फंस गया। ठीक है मैं भाई को भेजूंगा, ले आएगी, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, आगे से यू टर्न हो जाएगा ना। हाँ हो जाएगा बिल्कुल। देखो ये लड़की, यही तो टास्क है। मतलब पहले हम किसी और जगह घुस गए और ऐसे जा रही रोड ऊपर, कह रहे हो बैक लो गलत चले गए, अभी पता नहीं कहाँ लेके आ गई है। हेलो नाली देखना, अगर आगे से गाड़ी भाई नाली में मत डाल देना। हेलो अलेक्सा, ये कोको नहीं मिला यहाँ पर हमें, अलेक्सा मिल गई है। ये मेल है फीमेल है?
फीमेल है और अभी कोको भी है यहाँ पर, लेकिन वो कोको नहीं है भाई, वो कोका है, इतना बड़ा कहाँ है वो। अबे यहाँ पर आओ, यहाँ जो डरता नहीं है। इधर आ, इधर आ, इधर आ। कितने कितने डॉग है भाई? जिम्मी, कोको, हाँ? जिम्मी, कोको, एलेक्सा। हाँ। क्यों डर रहा भाई इतना? बैठो, बैठो। ओ कोको। यार तुम्हारा टाइम पास तो इसी से लगा रहता होगा, है? ये सुनीता की मौसी है। और ये भाई है, और ये बहन है, ये बहन है, मतलब बहुत सारे बंदे हैं, बताते बताते पूरी 15 मिनट जो 20 लोग रहते हैं, 20 लोग रहते हैं, और बताते बताते मेरे को लग रहा है 15 मिनट का व्लॉग यहीं पर बन सकता है, इसलिए हम ये प्लान कैंसिल करते हैं, अपनी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और यहाँ से निकलते हैं। भाई क्या नाम है इसका? कुछ नहीं है नाम? डोली। हेलो डोली। भाई ये तो सही है यार, 3 डॉग और 1 रैबिट। एक्चुअली मेरा भी ना बहुत मन करता है कि हाँ यार ये डॉग रैबिट वैबिट मतलब रखने का, लेकिन वो ये ना मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहती है, अभी तो मेरे से कोको नहीं संभल रहा। अरे अरे अरे, आइज देख रहे हो इसकी एकदम रेड। हेलो डोली। सही यार, मेरी फोटो खींच दे इसके साथ। तो ये कचौड़ियाँ लेके जा रहे हैं पापा के लिए। चल भाई बाय बाय। ये हमें शुद्ध किया जा रहा है। अरे आप कितने हैं? ये कोको के बाल लग गए हैं ना, कह रहा भाई मेरी गाड़ी में भी बाल नहीं आना चाहिए। अच्छे से, अच्छे से, पीछे से जैसे लगाई थी आगे ही लगाया आगे से, आगे उड़ रहा है ना, उड़ने की उड़ा 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 उड़ा। बहुत गाने वाने हो गए भाई, पापा से पड़ रही है डांट। पापा कह रहे मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ निकल जाते हो। तो अभी अपना लंच का टाइम था जो कि ओवर हो चुका है, 3 बजे तक का था, 3:20 हो चुके, लेकिन हमने पापा के लिए कचौड़ियाँ ले ली है। हम जाके कुछ ना कुछ अटरम चटरम खा लेंगे, लेकिन पापा से डांट नहीं पड़नी चाहिए, घर पे भी डांट, बाहर भी डांट, सिर्फ डांट ही डांट। पहुँच जाएंगे टाइम से, और 5-10 मिनट पहुँच जाएंगे। शाम की तैयारी चेक करने आए हैं, पूरी हुई है कि नहीं हुई। हाँ छुपा लो छुपा लो, फिर से मुँह छुपा लो भाई। सामने ध्यान से देखोगे ना, ये बर्ड्स देख रहे हो, बर्ड्स जा रही हैं, और वो सामने सनसेट हो रहा है, और हमारा कैमरा इतना बेहतरीन नहीं है कि इसको बढ़िया से रिकॉर्ड कर पाए। अगर थोड़ा महंगे वाला कैमरा होता, मतलब वही 5-6 लाख वाला, तो ये बढ़िया तरीके से आ जाता, लेकिन ये सस्ते वाला है। लेकिन हम इससे व्लॉग बना के आपको एंटरटेन कर सकते हैं, और क्या चाहिए अपने को, ना भी आए सनसेट। बाकी होप करते हैं ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको यहीं पर एंड करते हैं। जो नंबर आया हमारी बाइक का, वो आपको अगली वीडियो बताएंगे, बिकॉज पापा सो रहे हैं, और मैं चाहता हूँ पहले मैं पापा को बताऊँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँ। पापा उठेंगे, जो नंबर प्लेट आई है ना एक पैकेट से, मैं उनसे ही अनरैप करवाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। इस वीडियो में यहीं पर एंड करते हैं, होप करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अभी आधे घंटे में हमें रेडी होके, जो हमारे कपड़े हैं वो लॉन्ड्री के लिए गए हैं, वहाँ से आएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, रेडी होंगे। टाइम कम है, काम बहुत सारे हैं। इस वीडियो को ना यहीं फिनिश करते हैं, यहाँ तक देख लिए तो लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, नीचे लाल सा बटन है, कोनी मारो, घूसा मारो, कुछ भी बोलो, सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मिलते ऐसे किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, नाइस डे, बाय 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 बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब, ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली, मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।